हेलो फ्रेंड्स, मटर मशरूम मसाला रेस्टोरेंट स्टाइल में मैंने बनाया है और ये रेसिपी आज आपको बहुत पसंद आने वाली है। और गाइस, आप प्लीज़ ट्राई ज़रूर करिएगा इसको बनाने के बाद, और मुझे बताइएगा कि जब आपने इसे बनाया और खाया तो आपको ये कैसी लगी। तो चलिए, आज इसी का हम इसको बनाने जा रहे हैं और आप भी बनाइए, खाइए। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि देखिए कितनी अच्छी लग रही है ये। चलिए स्टार्ट करते हैं रेस्टोरेंट स्टाइल मटर मशरूम मसाला। तो यहाँ पर गैस पे मैंने कढ़ाई रख दी है। अब इसमें डाल दूंगी मैं 2 बड़े चम्मच के करीब ऑयल। तो यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ सरसों का तेल। तेल गरम हो गया है, अब डाल देंगे इसमें थोड़ा सा जीरा। यहाँ पे जीरा लिया है मैंने, 2-3 लौंग हैं और 4-5 ये काली मिर्च हैं। अब इसमें डाल देंगे 2 बारीक कटे हुए प्याज। तो प्याज को हम ब्राउन करेंगे। तो 4-5 मिनट इस तरह से भूनेंगे प्याज को। प्याज हल्का हल्का गुलाबी होना शुरू हो चुका है। अब हमें एक पेस्ट बनाना है। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है 1 प्याज और 2 टमाटर हैं, ये 3 हरी मिर्च हैं, और जो हरा धनिया होता है ना उसकी डंडी। तो इन सबको मिलाकर हम बारीक पीस लेंगे ग्राइंडर जार में और एक पेस्ट बना लेंगे इसका। यहाँ पे पेस्ट बना लिया है और निकाल लिया है कटोरी में। अब इसमें कुछ मसाले हमें इसमें ऐड करने हैं। तो सबसे पहले हम ले लेंगे 1/2 चम्मच के करीब लाल मिर्च पाउडर। उसके बाद हम यहाँ पे 1/2 चम्मच से कम लेंगे हल्दी पाउडर। 1 चम्मच लेंगे धनिया पाउडर, 1 चम्मच। फिर 1/2 चम्मच लेंगे यहाँ पर जीरा पाउडर, 1/2 चम्मच गरम मसाला पाउडर, और ये 1/2 से भी थोड़ा कम है काली मिर्च का पाउडर। इन सब चीजों को एक साथ मिला लेंगे। और इसको मिलाकर रखेंगे कुछ देर के लिए। प्याज भून रहा है धीरे धीरे। अब डाल देंगे इसमें 1 चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट। अब इस जो हमने ये मसाला बना के रखा है इसको डाल देंगे इसमें। अब हम इसे ढककर पकाएंगे। तो 4 से 5 मिनट के लिए लो फ्लेम में हम इसे पकाएंगे। खोल के देख लेते हैं। तो यहाँ पे मसाला भुनना स्टार्ट हो गया है, गाढ़ा हो गया है बहुत मसाला। अब यहीं पे हम डाल देंगे इसे मटर, क्योंकि मटर को हमें सॉफ्ट करना होता है और मशरूम तो पहले से बहुत सॉफ्ट होते हैं, तो उनको हम बाद में डालेंगे। तो अभी यहाँ पर मटर को इस तरह से इसी मसाले के साथ भूनेंगे इससे कि जो मटर अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। अब ढककर ही इसको हम पकाएंगे इसमें। अब जो मशरूम है वो हमने ले लिए, धोकर इनको साफ कर लिया अच्छे से, और इस तरीके से हम इसे काटेंगे। इसे एक मशरूम है, ये इसके 4 हिस्से करेंगे, एक तो इस तरीके से
ये देखिए, तो यहाँ पे सारे मशरूम काट लिए मैंने। देखिए देखते हैं खोल के। ये यहाँ पर मटर भी जो है वो सॉफ्ट हो गई है अच्छे से, और मसाला भी इसके साथ भुन गया है अच्छे से। तो अब हम यहाँ पे डालेंगे 2 चम्मच दही। और इसको अच्छे से फेटेंगे ताकि दही फटे नहीं, क्योंकि अभी हमने इसमें नमक भी नहीं डाला है। और जल्दी से इसे चलाएंगे। अब हम डालेंगे इसमें कटे हुए मशरूम। अब डालेंगे इसमें स्वाद के अनुसार नमक। नमक पहले नहीं डाला था इसी वजह से क्योंकि हमें दही डालना था। आप देखिए नमक भी डाल दिया इसके अंदर, और सभी अच्छे से मिलाएंगे अच्छे से इसको। अब इसको ढककर पकाएंगे 2 से 3 मिनट के लिए। तो जब तक सब्जी बन रही है तो हमने एक कढ़ाई और रख दी है। अब इसमें डालेंगे, क्योंकि हम रेस्टोरेंट स्टाइल मशरूम मटर बना रहे हैं तो यहाँ पर हम डाल देंगे इसमें मक्खन। मक्खन अच्छे से मेल्ट हो गया, गर्म हो गया है। डाल देंगे इसमें थोड़ा सा ये लहसुन, अदरक बारीक कटा हुआ, दो हरी मिर्च। अब डाल देंगे इसमें एक प्याज जो कि हमने इसे चौको टुकड़ों में काट लिया है, और एक टमाटर। अब हम इसमें जो हमने काट के बना के रखा था इसको डाल देंगे। तो ये रेस्टोरेंट स्टाइल एकदम लगेगा खाने में। तो यहाँ पर ये देखिए बनके तैयार है बिल्कुल हमारा मटर मशरूम मसाला। तो डाल देंगे इसमें थोड़ा सा धनिया, देखिए कितनी अच्छी लग रही है ये सब्जी, ग्रेवी। तो आपको ये रेसिपी कैसी लगी? अगर आपको ये पसंद आई हो तो लाइक जरूर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।